नमस्कार। तो आज बात करते हैं हम केवीएस पीआरटी न्यू सिलेबस के क्या नोटिफिकेशन 2022 का जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आयु क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है और क्या सिलेबस है, नया पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि हम सिलेबस क्या है वो तो ठीक है, उसके पहले फॉर्म कौन भर सकता है वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखना सबसे पहले एज लिमिट की यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग का होता है कि जो ध्यान में कि 40 साल, लेकिन यहाँ 40 साल ना होके यहाँ पे 30 साल की आयु ली गई है। एज जो है 30 वर्ष ही है, बट फीमेल के लिए जो है वो 40 साल है, 10 साल का एक्स्ट्रा है यहाँ पे, सभी मतलब कोई भी किसी कैटेगरी का हो। उसके लिए ओबीसी के लिए 3 साल के लिए 33 हो गया, और एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए आपको पता ही है 5 साल की छूट मिलती है, तो ये क्लियर, मतलब 35 हो गया। बाकी सभी महिलाओं के लिए 40 साल कर दिया गया, जनरल के लिए 30 साल, बाकी ओबीसी एससी और ये पुरुषों के लिए इतनी है, क्लियर। अब बात करते हैं भर कौन सकता फॉर्म भरने का, सबसे पहले ये इसके लिए बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए तथा सीटेट का प्राइमरी लेवल का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट फर्स्ट प्राइमरी लेवल का, ठीक है। इतनी योग्यताएं हैं आपके पास तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भाई इतना फॉर्म वही अप्लाई कर पाएगा जो बीएड या बीटीसी और सीटेट फॉर्म अभी इतना हो और एज लिमिट इतनी होनी चाहिए, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, तैयारी कैसी करनी है। फॉर्म तो अप्लाई कर ही लिया होगा, कर देंगे, और ये फॉर्म कब अप्लाई होगा ये भी बात बता दे रहा हूँ। फॉर्म 5 दिसंबर से शुरू होगा बेटा, 5 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, तो इस पर ध्यान रखना। 5 दिसंबर 20 दिन ही चलेगा फॉर्म, 30 दिन में फॉर्म भर जाएगा, तो 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन अप्लीकेशन, तो इसको ध्यान रखना। और 5 दिसंबर अपना जो भी है वो गलतियां मत करना भरने में, सारी चीजें व्यवस्थित करके। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम होगा हमारा रिटर्न एग्जाम, मेरिट कैसी बनेगी, एक तो रिटर्न एग्जाम होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू, तो दो ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ना ही सीटेट का कोई मार्किंग जोड़नी ना कुछ होना है, तो बस रिटर्न एग्जाम होना है और इंटरव्यू होनी है। तो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम में कैसे करना है, जो पेपर आपका अप्रैल मई में जो होगा रिटर्न एग्जाम, उसके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो पहले 150 होता था, लेकिन अब हो गया 180 क्वेश्चन का। कितना हो गया? 180 क्वेश्चन का, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सारे एक एक मार्क के होंगे, कितना होगा? एक वन मार्क का होगा, सभी क्वेश्चन एक एक मार्क के होंगे, और जो इसका ड्यूरेशन होगी बेटा, तो ड्यूरेशन जब 180 क्वेश्चन है तो 180 मिनट का ही होगा, तो 180 मिनट का मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा? 3 घंटे का, 180 क्वेश्चन एक एक मिनट मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो नेचर ऑफ सेक्शंस होगा, देखो नेचर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन मतलब एक पेपर मिल जाएगा, उसमें 4 सेक्शन बना दिए जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब 4 सेक्शन, मतलब 1, 2, 3 और 4, ये 4 सेक्शन बना दिए गए। और 4 सेक्शन, पहला सेक्शन जो होगा बेटा 20 नंबर का होगा, दूसरा सेक्शन भी 20 नंबर का बनाया गया, तीसरा जो है 60 नंबर का, चौथा जो है 80 नंबर का बना दिया गया। जैसे पेपर नहीं होता था, जो हाई स्कूल इंटर का होता था सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, वैसे इस तरीके से 1, 2, 3, 4 के नाम से बना दिया गया। पहले कोई लिमिट नहीं है कि भाई इसमें कि इसको इतने मिनट में करना है, इतने मिनट में आपको दे दिया गया 180 मिनट, 180 क्वेश्चन, आप चाहे जितने, चाहे आप पहला ही सेक्शन करते रहो कोई दिक्कत नहीं, चाहे लास्ट का कर लो, कब कोई टाइम लिमिट नहीं, मतलब 180 मिनट में सारे को कभी कुछ भी कर सकते हो, मतलब 180 मिनट में आप करिए अपने हिसाब से, ठीक है। पहले सेक्शन में जो आएगा बेटा 10 नंबर की इंग्लिश आएगी और 10 नंबर की हिंदी आएगी, पहला सेक्शन होगा 20 नंबर का, मतलब दोनों भाषाएं आएंगी 10 नंबर में। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट में, सेक्शन पार्ट टू में जब चलते हैं, तो पार्ट टू हमारा भी ये 20 नंबर का आएगा, जिसमें जीके और जीएस जो आएगा, जीके और यहाँ पे देखा होगा जनरल अवेयरनेस, जीए ऑन करंट अफेयर जो होगा वो आपका 10 नंबर का होगा। यही आपका जब यूपीपीआरटी में बात करें तो वो 30 नंबर में दिया हुआ है, कितने नंबर बेटा दिया? 30 नंबर, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर का दिया। दूसरा यूपीपीआरटी में रीजनिंग भी 5 नंबर, तो यहाँ भी रीजनिंग 5 नंबर में इन्होंने दिया। दूसरा कंप्यूटर एफिशिएंसी, वहां भी 5 नंबर, तो यहाँ 5 नंबर, अर्थात कुल मिला के देखने को मिला कि हमको 20 नंबर में सारी चीजें मिली, 20 नंबर में ये सारी चीजें हो गई। तो आपको कंफर्म हुआ कि पहले पार्ट में 20 नंबर, दूसरे पार्ट में 20 नंबर में आएगा। दूसरा थर्ड, तीसरा जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो है एजुकेशन का, जहां से मिलेगा 60 क्वेश्चंस और 60 नंबर का। पहला जो क्वेश्चन होगा 15 नंबर का होगा, और जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, कैसे हम समझेंगे बच्चों को, पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा इसमें, कि जो जो सेक्शन दिए हैं, इसके टॉपिक्स दिए हों, उसको समझना होगा, पूरा विस्तार से बता देंगे कौन कौन टॉपिक है।
इसके अलावा क्रिएटिंग द कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरमेंट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का आएगा, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का 10 क्वेश्चन, और चौथा जो है प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन वो 10 क्वेश्चन। कुल मिला के 60 नंबर जो है सीडीपी वाले सर का है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सर का, वो है जो एजुकेशन पढ़ाएगा, यह बता सकते हैं जो टीचिंग वाला टीचर होगा वो इसको आपको क्या करवाएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन करवाएगा। ये हो गया आपका दो पार्ट। जब आते हैं हम, तीन पार्ट हो गए, और चौथे पार्ट पे जब आता है जो कंसर्न सब्जेक्ट की बात करते हैं, कंसर्न सब्जेक्ट वो होगा जो कक्षा एक से पांच की किताबों में, देखो सीधा सीधा सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक कक्षा एक से पांच इंडिकेटेड अंडर द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैंडलिंग होगा। एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो किताबें जारी की जाती है उसमें कक्षा एक से पांच तक की किताबों से लिए गए जो सिलेबस है उससे लिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस का लेवल होगा बेटा, हाउ एवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एंड लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू 12th। देखिए XII, तो ये हो गया आपका 12th तक के लिए, मतलब इसका लेवल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। तो आपको देखो टॉपिक क्या क्या है वो देखते हैं। तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में सबसे पहले इंग्लिश 80 क्वेश्चन में से इंग्लिश आप कितने कितने नंबर, ये नहीं बोला उन्होंने, बोला मिक्स करके देंगे, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंग्लिश में इन्होंने टॉपिक दे दिया कि इंग्लिश, और शुरुआत में इंग्लिश भी 10 नंबर में। दूसरा आपका सेक्शन हिंदी का व्याकरण पूरा आएगा, हिंदी के व्याकरण का पूरा टॉपिक दे दिया इन्होंने, दो हो गया दोनों भाषाएं। और तीसरा आपका ये गणित दे दिया इन्होंने, गणित के सारे टॉपिक दे दिया। प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। बहुत देखो टॉपिक एकदम आसान है, लेकिन क्वेश्चन का जो आप देखेंगे स्टैंडर्ड होगा प्रीवियस पेपर में तो ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा आपको। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए काउंटिंग ऑपरेशन नंबर दिया है, ऐसा यू नो टॉपिक है, लेकिन आपका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है अच्छा है, जो प्रीवियस पेपर इसके पहले हो चुके हैं। अब आते हैं, बात करते हैं चौथा जो सेक्शन इसका है इन्वायरमेंट ईबीएस का। तो बेटा ये है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, ये इतना ही आपको सिलेबस दिया गया है इस बार का, पिछले और आप में आपके सिलेबस में अंतर भी है। तो होप आप अच्छे से इसके बारे में अच्छे से कर दीजिए पीडीएफ, यहाँ पे हम टेलीग्राम ग्रुप मार्क एडमी लखनऊ पे सारी चीजें विस्तार से डाल दिए हैं। और हमारे यहाँ पे जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना, कैसे, तो आप ध्यान रखें सबसे पहले ऑफलाइन बैच जो चलेंगे वही ही ऑनलाइन मोड पर भी चलेंगे सेम। 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच 2022 से, और ये बैच 4 बजे 4 PM से डेमो शुरू होगा। वैसे बैच जो रहेगा 3 to 6 होगा, बट डेमो जो कल से स्टार्ट हो रहा है वो 4 बजे से स्टार्ट होगा 2 घंटे का। और यही क्लास आपको मा अकेडमी लखनऊ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया एप्लीकेशन पर, ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से ऐप मा अकेडमी लखनऊ, मा अकेडमी लखनऊ के एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अकेडमी लखनऊ के नाम से होगा, और जो वो यहाँ पे देख रहे वाटरमार्क है सेम इसी वाटरमार्क से आपको वहां पे एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए बेटा। और कल आप यहाँ पे एजुकेशन का या हिंदी का और मैथमेटिक्स का जो डेमो चलेगा आप उसका डेमो क्लासेस एक दूं देखिए, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई दिक्कत होती हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर ऑफिशियल 7346 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या कोर्स परचेज करना है ऑनलाइन ऑफलाइन एक न्यूनतम फीस में होगा, बहुत ही न्यूनतम फीस है उसका, चार्जेस भी है उसमें। आप अपनी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं, और जो लखनऊ इर्द गिर्द इलाके में है यहाँ पे नजदीक में, तो ऑफलाइन भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी होती है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि बेहतर चीजें समझ में आती हैं, ऑनलाइन में भी होती है। नहीं भाई आप आ रहे हैं दूर दराज इलाके में तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफलाइन भी क्लासेस और ऑनलाइन में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लासेस लेके। और प्रीवियस पेपर आपको हम बेहतर तरीके से, जो प्रीवियस इसके पहले केवीएस का हुआ है वो हम अच्छे से यहाँ पे करवाएंगे, प्रीवियस पेपर भी करवा देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।